फिलहाल सबसे पहले सौरभ आपके पास आ रही हूं। इधर बीमा भारती कह रही है कि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। पप्पू यादव कह रहे हैं दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ये पूर्णिया का जो एक खींचतान चल रहा है सीट को लेकर, अब क्या करेंगे पप्पू यादव, कैसे संकट का निवारण निकालेगा इंडिया गठबंधन? ये बिल्कुल पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी करेंगे वो कांग्रेस के आला जो नेता हैं वो करेंगे। कारण उन्होंने कहा कि अब मैंने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में करा दिया है, तो अब जो भी फैसला लेना होगा वो कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने ना केवल पप्पू यादव बल्कि कांग्रेस के साथ भी खेल कर दिया है। आपको पता है कि बिहार में 3 जो सीटें हैं ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती है, चाहे पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें या फिर औरंगाबाद की बात करें। तीनों सीटों पर लालू प्रसाद यादव ने अपने अपने उम्मीदवारों का सिंबल दे दिया है। हालांकि अभी तक ना सीटों का बंटवारा हुआ है ना ही उम्मीदवार को लेकर घोषणा हुई है। सभी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, सभी इंडिया गठबंधन के अंदर आते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, उम्मीदवार को लेकर घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं, और सिंबल वो अपनी सीट पर नहीं बल्कि जो बीजेपी का जो सीट, जो कांग्रेस की जो सीट है वहां भी वो अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस में अगर बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय की सीट लालू प्रसाद यादव ने सीपीआई को दे दी। वहां से कांग्रेस चाहती थी कि कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में की जो सीट है उन्होंने बीमा भारती को सिंबल दे दिया, जबकि उनको पता था कि यहां से पप्पू यादव उम्मीदवार होंगे और पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में करा दिया है। तो जानबूझकर लालू प्रसाद यादव यह खेल कर रहे हैं, कारण एक कांग्रेस पर एक प्रेशर बनाया जाए, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए जिससे कांग्रेस जो है वो कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को राजी हो जाए। लेकिन कांग्रेस 9 सीटों से कम चुनाव लड़ने पर राजी नहीं हो रही है। कांग्रेस अपनी मांग को लेकर लगातार अडिग है, और कांग्रेस का यह भी कहना है कि चाहे पूर्णिया की सीट हो या फिर कटिहार की सीट हो, ये हमें चाहिए। तो अब क्या होगा नहीं होगा, कल जिस तरीके से अचानक जो है बीमा भारती स्क्रीन पर आती हैं और वो ये कहती हैं कि लालू प्रसाद यादव के तरफ से हमें सिंबल दे दिया गया है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव के तरफ से बीमा भारती को सिंबल कल नहीं मिला है, वो उसी दिन मिल गया था जब बीमा भारती जो है वो आरजेडी में शामिल हुई थी। क्योंकि अगर जो कल जो वायरल तस्वीर हो रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये उसी दिन की तस्वीर है जब बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई थी, उसी दिन लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया है। तो निश्चित रूप से ये पूरा खेल जो है वो लालू प्रसाद यादव रच रहे हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ देर पहले पप्पू यादव को भी सुना, उन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा, मैं दूसरे लोकसभा क्षेत्र नहीं जाऊंगा। यानी जरूर लालू यादव के तरफ से या आरजेडी के तरफ से पप्पू यादव पर यह प्रेशर बनाया जाएगा कि आप मधेपुरा चले जाएं। लेकिन अब पप्पू यादव भी खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर लड़ूंगा लोकसभा चुनाव तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर लड़ाई जो है वो आमने सामने आ गई है। दूसरी तरफ अभी तक कोई भी समझौता सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच नहीं हुई है। हालांकि आज भी जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के कुछ बड़े नेता के साथ मुलाकात करेंगे, हालांकि 2 दिन से बैठक चल रही है, लगातार बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक मामला जो है वह सुलझा नहीं है। तो आज भी बैठक होने की उम्मीद है, और ये लगातार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सीटों का जो पेच है उसको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह सवाल खड़ा हो चुका है कि पूर्णिया से आखिर उम्मीदवार कौन होगा? क्या बीमा भारती चुनाव लड़ेगी जो लगातार कर रही है कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद हमारे साथ है, या फिर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे जो अपनी पार्टी का विलय ऑलरेडी उन्होंने कांग्रेस में करवा दिया है? एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है सौरभ कि आखिर बिहार में सीटों की शेयरिंग जब अभी बातचीत चल ही रही है तो उसमें पूर्णिया सीट पर जो पेच फंसा है,